इतने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स में निकलेंगे उतना जोड़ से
पेरेंट्स कंट्री। ए जीरो क्या है, जहां से शुरू किया था उसका मास नंबर है। ए जीरो क्या है, चार नंबर ऑफ दी, चार नंबर ऑफ दी पेरेंट फैमिली, पेरेंट फैमिली, चार नंबर ऑफ दी पेरेंट फैमिली। ये है मास नंबर ए, मास नंबर ऑफ दी डॉक्टर फैमिली, या नया जो बनेगा डॉक्टर फैमिली उसका ये मास नंबर है। या एक है चार नंबर ऑफ दी डॉक्टर फैमिली, डॉक्टर फैमिली। इसी तरीके से एन अल्फा है नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल, और एन बीटा नंबर ऑफ इमिटेड बीटा, इमिटेड बीटा पार्टिकल। और यही पे सवाल ज्यादातर बनते थे मेडिकल्स के, कि आपको एक यूरेनियम दे दिया गया और कहा गया उससे चार अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, दो बीटा पार्टिकल निकलते हैं, तो रिजल्टेंट नए न्यूक्लियस का मास नंबर निकालिए, चार नंबर निकालिए, कर दीजिए। दो होता है इसमें, यहाँ ए जो है ए जीरो, यहाँ पर ए इक्वल टू ए जीरो माइनस फोर, ये अल्फा में ए डॉक्टर न्यूक्लियस का मास नंबर है ए और जेड, जबकि पहले वाला जो इक्वेशन ऊपर डीके प्रोसेस लिखा गया था वहाँ ए और जेड पेरेंट न्यूक्लियस, वहाँ डॉक्टर न्यूक्लियस पता हमने यहाँ जीरो लगा करके, यानी दोनों में नया न्यूक्लियस बनेगा उसका मास नंबर निकाल सकते हैं। आगे चल करके अभी देखिएगा तो निकालना ऐसे, मान लीजिए कि ब्लड आइसोटोप्स है और उससे 10 बीटा पार्टिकल निकलते हैं, 4 अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, तो नया न्यूक्लियस क्या होगा, तो आप उस फार्मूले से निकाल सकते हैं, जो जेड है उसे नाम उसका रख देंगे, तो इसी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। इट कैन बी नोटिस्ड, इट कैन बी नोटिस्ड फ्रॉम दी वेरियस डीके प्रोसेस, वेरियस डीके प्रोसेस, यानी ये चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा डीके की बात हो, इनको अगर देखें इट कैन बी नोटिस्ड फ्रॉम वेरियस डीके प्रोसेस दैट, ये जो मास नंबर है देखिए, या तो ये सेम रहता है या ये चार गुना घट जाता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। दैट द मास नंबर ऑफ, मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, इनको डॉटर न्यूक्लियस नहीं अच्छा लगता है, लिख सकते हैं न्यूली फॉर्म, न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस, जो नया न्यूक्लियस हुआ, इट कैन बी फॉर्म दैट द मास नंबर ऑफ द न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस इज ईदर रिमेन सेम, या तो वही रहता है आर, ईदर रिमेन सेम आर डिक्रीजेस, या तो वही रहता है या बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर इसको देखते हैं तो ऑन द अदर हैंड द चार्ज नंबर ऑफ, द चार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस पार न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस और न्यूली पार न्यूक्लियस, इधर रिमेन से या तो वही रहता है नहीं से, कहां पर देखिए एक गामा डीके में सेम रहता है और इसमें दोनों में जेड जो है एक घट जाता है बढ़ जाता है, इधर रिमेन से आर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, आर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, कहां से फ्रॉम दी पेरेंट न्यूक्लियस, जो पेरेंट न्यूक्लियस है फ्रॉम दी पेरेंट न्यूक्लियस, फ्रॉम दी पेरेंट न्यूक्लियस, यानी जो न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस है या डॉटर न्यूक्लियस है उसका मास नंबर कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन चार्ज नंबर कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल इन देते हैं।
Now, the further request C, if the observation tha, further it was found that the mass number of the emitted nuclei, mass number of the newly formed nuclei. So newly formed nuclei है, उसका mass number belongs to, ये जो mass number आया, उसमें से कुछ जो है, किस form में होगा, इसके कुछ branches belongs to the one of the farm है, या फिर ये 4n के फॉर्म में होगा, या फिर 4n plus 1 के फॉर्म में होगा, या 4n plus 2 के फॉर्म में होगा, या फिर 4n plus 3, is one of the form as if this is 0 plus 3, 4n, where n is a positive integer. n की वैल्यू कुछ आप जो है 1 2 3 4 रख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू 0 नहीं होगी, और n 0 होगा मतलब कुछ नहीं बनेगा ऐसा नहीं, यानी ये जो है कोई n एक नंबर होगा, 1 2 3 इसी के मल्टीपल में ही कोई ये चार नंबर आएंगे, यानी जो मास नंबर है उनको अगर डिवाइड करें तो चार के फॉर्म में नए जो भी मास नंबर आएंगे उसको डिवाइड करेंगे तो ये 4n + 1 n की वैल्यू कुछ होगी इस फॉर्म में, डिपेंडिंग अपॉन the mass number in the four part, ये जो मास नंबर आया या डिपेंडिंग अपॉन दिस फोर नंबर कह सकते हैं, फोर पार्ट, देयर आर फोर डिफरेंट रेडियो एक्टिव सीरीज, ये चार अलग अलग नंबर की करस्पॉन्डिंग चार डिफरेंट रेडियो एक्टिव सीरीज थी, और रेडियो एक्टिव सीरीज नेमली उनके नाम पर दिए गए, जो पहली थी उसका नाम उन्होंने थोरियम सीरीज, यानी इसमें जो है इट करस्पॉन्ड टू थोरियम, सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो थोरियम के पास होंगे, या दूसरी सीरीज नेप्टूनियम सीरीज कहलाती है, नेप्टूनियम सीरीज, और ये नेप्टूनियम में हर एलिमेंट हर जो न्यूक्लियस हर न्यूक्लियस है उसका पार कोरेंट का स्वभाव होगा। तीसरा है यूरेनियम सीरीज, और इस यूरेनियम सीरीज में हर एक का मास नंबर 4n प्लस 2 होगा, एंड फाइनली जो फोर्थ है उसको एक्टिनियम सीरीज, और उसको 4n प्लस 3 कहते हैं, कुछ लोग उसको मॉडर्न सीरीज भी कहते हैं, एक्टिनियम को एक्टिनियम। तो लेट अस डिस्क्राइब वन बाय वन, पहली सीरीज जिसका नाम है थोरियम सीरीज, तो ये सीरीज थी, ये थोरियम 9232 से शुरू होती है, यानी यहाँ पर एक थोरियम आइसोटोप होगा और थोरियम आइसोटोप से अल्फा बीटा पार्टिकल निकलेंगे। हमने पहले भी बात किया था कि अगर किसी रेडियो की सब्सटेंस से अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, लेकिन गामा उसी के साथ में कंप्लीट होगा, यानी अल्फा गामा एक साथ निकलते हैं, बीटा गामा एक साथ निकलते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जो न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस होगा या डॉटर न्यूक्लियस होगी उसका मास नंबर 4 कम हो जाएगा, और उसका मास नंबर 4 कम होगा और साथ में जो उसका जेड है या जो चार्ज नंबर है वो 2 यूनिट कम हो जाएगा, यानी एक नया एलिमेंट बनेगा, एक नया रेडियो सब्सटेंस या रेडियो एलिमेंट बनेगा, उसका मास नंबर और चार्ज नंबर आप कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल वर्ड में दिस सीरीज स्टार्टेड, this series started.
start with the thorium isotope. और यह है थोरियम 9232 एंड ए लार्ज नंबर ऑफ अनस्टेबल अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स by emitting or making nuclear radiation to the nuclear radiation. Yani ye shuru to ho gayi 9232 se beech mein bahut se intermediate stream ho gaye. Agar pehle wale ka alpha nikalta hai to fix hai kya hai alpha isme batate chale jayenge naya bana yani isme alpha batayenge to थोरियम में 92 में 2 घटा देंगे तो देखिए बन जाएगा 88. अब इसी तरह 2 घटा देंगे 86 बन जाएगा. इसके नाम सब क्या आपको पता है पहले से, यानी बताइए रेडियम होगा, रेडियम 88 होता है 86 इस तरह के टिल दी स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ लेड. लेड का स्टेबल न्यूक्लियस है पीबी 8 इस पार यानी 92 से शुरू होगी, थोरियम से 90 से शुरू होगी और लार्ज नंबर ऑफ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकालते हैं. एक हाईली स्टेबल कंपाउंड जो लेड है 82208 बनता है. तो दिस इज पार्ट दे दिस इज इन रिप्रेजेंटेशन डॉट मास नंबर ऑफ और एल कह सकते हैं इसे पार्ट ऑफ है. इसे दिस सीरीज इज रिप्रेजेंटेड दिस सीरीज इज रिप्रेजेंटेड एज पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय इन इज रिप्रेजेंटेड एज पार्ट. यानी इसको अगर सीखना चाहें तो सबसे पहले आपके पास थोरियम है 9232 ये कुछ अल्फा बीटा निकला जो भी निकालेंगे उसको हमने ए लिख दिया यानी घटा के लिख देंगे. अगर अल्फा निकलता है फिर इसमें से कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना फिर इस तरह के सी फिर ये लास्ट में आपको मिलेगा नेट 82208. यहाँ ईच जो मेटीरियल्स हैं उनका जो मास है ईच न्यूक्लियस का मास इन फार्मा भी फोर यानी यानी जो भी मिलेगा आपको वो 4 के मल्टीपल में उसका मास इक्वल हो जाना चाहिए. अब सिमिलरली दूसरी सीरीज थी थोरियम के बारे में न्यूट्रोनियम सीरीज की बात की न्यूट्रोनियम और ये न्यूट्रोनियम एनपी होता है एनपी 97 93 237 के आइसोटोप है. This series begins with the isotopes of plutonium और ये एनपी हो गया 93 237 and produces and produces a number of unstable radio elements
न्यूक्लियर रेडिएशन को इमिट करते हुए बहुत से अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी टिल द स्टेबल न्यूक्लियर टिल द स्टेबल न्यूक्लियर ऑफ बिस्मथ। इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट जो बिस्मथ है इस बिस्मथ के 83 होता है और 209 इस अनस्टेबल प्रोडक्ट इस पार यहाँ पर ईच इंटरमीडिएट है न्यूक्लियाई उसका मास 4n+1 का एक ईच इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है मास नंबर इसको भी कुछ रिप्रेजेंट कर देंगे शरीर इज रिप्रेजेंटेड बाय शरीर इज गिवन बाय न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। ये है एल्यूमिनियम से शुरू होती है 93 है 237 है इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल निकलेगा कोई जो भी निकला उसका मास नंबर लिख करके आप न्यूक्लियस लिख देंगे। इसके बाद जो इसमें बीटा पार्टिकल निकला तो वाई हो गया। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है आयन इज द आयन इज बिस्मथ 83 237। ये जो भी प्रोडक्ट है इनको इंटरमीडिएट अनस्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई है यानी ए बी सी जो बन रहे हैं यहाँ भी ये सब जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाई कह सकते हैं इनको ये जहाँ भी हैं आप उनको अनस्टेबल न्यूक्लियाई कह सकते हैं ऊपर नीचे जो भी थे यानी ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। नाउ सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है या थर्ड सीरीज है तो आपने देखी उसका नाम है यूरेनियम सीरीज। तो थर्ड सीरीज यूरेनियम सीरीज और यूरेनियम की सीरीज जो है 92 2 isotopes 238 2 isotopes 235 2 238 2 238
92 238 के जगह कुछ यहाँ पर बना मान लेते हैं, कुछ एम बना इंटीरियर, फिर एन बना, फिर ओ बना, और इसके बाद है फिर ये लेड का आइसोटोप बन गया 206। यहाँ पर मास जो था वो 4N+2 था। दीजिए तो आपको ऐसा मेरिकली मैथड दीजिएगा, एम है जो यहाँ पर 4N+1 के पार में है, ऊपर भी दिखाया जा चुका है, इस बात को इससे सुविधा हो। नाउ द लास्ट वन दैट इज एक्टिनियम सीरीज। चार नंबर आपने कहा आए थे वैरायटी के प्रश्न में, उन चार नंबर के करस्पॉन्डिंग चार D
में से एक पहली जो शुरू होती थी नाइन फोरियम से शुरू होती थी और लास्ट क्वार्टर उसका लेड था। तीन के केस में लेड है, आइसोटोप लगता है, लेड कैसी है, आइसोटोप पहले में 208 था, हाई स्टेबल है, दूसरे केस में 206 था, तीसरे केस में 207 था, केवल न्यूट्रोनियम के केस में लास्ट क्वार्टर का आपका फिसमन मिलता है, यानी इनमें से मास नंबर उसका मल्टीपल हो गया। एक विशेष पार्ट थी जिसको एक्टिविटी कहते थे कि ड्यूरिंग दी इन ईच रेडियो एक्टिव सीरीज कोई भी सीरीज दे दी दी फॉलोइंग एक्टिविटी ला होल्ड ये एक्टिविटी ला है। मान लीजिए कुछ पहला प्रोडक्ट बना, सपोज के लिए आपने यहाँ से बनाया एबीसी करके, तो नंबर ऑफ एटम ए एक्टिविटी थी एम ए और दूसरा था लैम्डा ए, नंबर ऑफ एटम लैम्डा एन बनाया गया था, लैम्डा एक्टिविटी का इंक्रीमेंटल की आर इक्वल टू लैम्डा इनटू एन, लैम्डा लिख दिया, पहला प्रोडक्ट जो है एल के आर है, ये दूसरा प्रोडक्ट अगर है तो नंबर ऑफ एटम इन बी और डिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बी, ये एक्टिविटी देखिए सब की बराबर होगी, यानी ये फार्मूला जो है होल्ड करता है एन डी लैम्डा डी या इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट होंगे, दी प्रोडक्ट एक्टिविटी एक्टिविटी डिफाइंड एज दी प्रोडक्ट ऑफ दी जो है निकाल था नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम एन ए और जिनके कांस्टेंट लैम्डा था, तो ये एक्टिविटी कभी बराबर होगी होल्ड। तो ये कभी कभी एक की एक्टिविटी मालूम है उसका डिसइंटीग्रेशन मालूम है, दूसरे की एक्टिविटी और दूसरे का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मालूम, कोई पुल है गिराना है या कुछ करना है, कोई मकान है आपको पता लगाना है कितने दिन तक चलेगा, एक हम सैंपल ले लेते हैं, लैम्डा मालूम हो गया उसका लैम्डा मालूम रहता है, दूसरे का सैंपल उठाया और उसका डीके कांस्टेंट निकाल लेते हैं कुल कितने दिनों तक चलेगा, देखते हैं पुराने पुल होते हैं उनको गिराने के लिए कुछ टेक्निक होती है या पुरानी बिल्डिंग्स होती है शहरों में उनसे जब नाली होती है उसको तोड़ने के लिए गहरे में इस तरह की तमाम टेक्निक्स को, ये तमाम पुल और जो गटर्स हैं यानी गाड़ी चल रही है रोज कभी कभी गटर खराब हो सकती है कभी भी खराब हो सकती है, उसको चेक करने का एक तरीका इस्तेमाल करते हैं वायर लैंड वायर लैंडार लैंडार होता है लैंडा ए लैंडा बी लैंडा सी जो सैंपल लेंगे पानी धीरे धीरे सींचता हुआ आप देखते हैं एक इंड से छत के दूसरे इंड पर निकल आता है, यानी बीच में जो भी मटेरियल उसको गीला कर देता है, तो ज़्यादातर बीम से या लोहे की राड इस तरह के डालते तो वाटर के रिएक्शन से उसमें कुछ ऑक्सीडेशन होता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, इसको मोर्चा या रस्ट कहते हैं या हाइड्राइड बन जाता है, आप दोनों तरह की चीज़ देखते हैं कि लोहे में इस तरह के तमाम डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, यानी धीरे धीरे क्या होगा इस छत के अंदर जो आपने बीम डाली थी वो गल जाए, तो फिर वो जो लोड होती ईंटों का जो लोड है वो नीचे आ जाता है या छत गिर सकती है, तो उसमें बचने के लिए या होते ये स्टिक को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर पुरानी कोई बिल्डिंग है तो उसमें से कितनी एक्टिविटी बची है या इसका डिसइंटीग्रेशन कितने दिन में हो जाएगा या ये कितने दिन में गल सकती है या पुल और ये तमाम तरह की चीज़ें देखते हैं, कहते हैं जर्जर पुल पड़ रहे जर्जर, यानी एक तरीके से उसमें कभी भी वो गिर सकता है, इस तरह की तमाम बिल्डिंग्स आजकल देखते हैं शहरों में गिरानी पड़ती है जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिकल, कि कोई कभी कभार अपने आप गिर जाती है तमाम हवा के थपेड़े और इस तरह की जो अरसात बरसात में बहुत बिल्डिंग गिरती हैं, लेकिन अगर कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है बहुत पुराना पुल है, मान लीजिए कोई पुल है आपको प्लान करना है कि कितने दिन चलेगा,
आप देखते हैं इलाहाबाद में बहुत से पुल और हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने के पुल बने हैं। आप देखते हैं सब जो है कोई 200 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है। अकबर का किला आप देखते हैं गंगा जी किनारे, पता लगाना है कितने दिन चलेगा, तो इस तकनीक को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ मान लीजिए 10-20 लाख लोग दर्शन करने चले जाएँ और किला बह जाए उसी में से, या ढह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो पता चला उसके साथ आदमी भी चले गए, इस तरह की पोजीशन हो सकती है। तो दूसरे शब्दों में इस्लाह की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बहुत सी चीज़ें बॉडी के अंदर डाली जाती हैं, राड एक्सीडेंट हो जाते हैं, हड्डियाँ नहीं होती हैं, टूट जाती हैं, नहीं मिलती है, तो देखिए बहुत से हाथ पैर से राड डाल देते हैं। पता लगाना है कि राड कितने दिन में खराब हो गई, नॉर्मल कोर्स में साइंटिफिक इमरजेंसी कहते हैं कि जो राड है वो कभी खराब नहीं होगी, यानी आपके पैर में डाल दी गई, हाथ में डाल दी गई, कभी खराब नहीं होगी। लोग आर्नामेंट पहनते हैं, एक बार पहन लिया तो हो सकता है अगर समय से नहीं उतारा तो छोटा हो सकता है, फिर निकल नहीं सकता, उसको काटना ही पड़ता है। तमाम तरह की चीज़ें पहनते हैं लोग। तो दूसरे शब्दों में अगर ये पता लगाना है कि ये कितने दिन तक आर्नामेंट रह सकता है, हो सकता है तो बहुत दिन तक रहे, 1 साल 2 साल 4 साल। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं या घरों में तमाम चीज़ें रखी होती हैं, लोग पूछते हैं कितने दिन चलेगा। लोटा खरीदते हैं, ग्लास खरीदते हैं, टम्बलर खरीदते हैं, लोग पूछते हैं कितने दिन चलेगा, तो कहते हैं ऊपर से नीचे डाल दीजिए कभी नहीं टूटता है। अनब्रेकेबल या नॉन ब्रेकेबल चीज़ें आजकल मिलती हैं, लेकिन घर ले जाइए तो वो भी ब्रेकेबल बन जाती है। ऊपर से डाल देते हैं लोग, सोते छत से डालिए तो टूटेगी नहीं, ऊपर से फेंक दीजिए तो नीचे आ गए तो टूट जाती है। आप देखते हैं या अक्सर करके बेचते समय तो सब कहेंगे ग्रुप है, वाटर प्रूफ, ये ग्रुप वो ग्रुप, लेकिन घर में ले जाइए तो रूप जो है रूप भी खराब हो जाती है। आप पेट वेट में देखते हैं रोज चलाते हैं, सीलन से मुक्ति, बिरला मुक्ति खरीदिए, खरीदिए, इस तरह की करते रहती चीज़ें, लेकिन उनसे देखते हैं स्टेबिलिटी के नाम पर सबसे अच्छा सबसे बढ़िया सीमेंट बेचने वाले भी लोग रहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों की एक लाइफ है। लाइफ को कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, यदि सिंपल शब्दों में बात की जाए, जिससे आपके सिंडिकेशन कांस्टेंट, बहुत सी चीज़ें मेकअप लोग करते हैं, सवेरे करते हैं शाम को खराब हो जाता है, या इस तरह की तमाम चीज़ें कपड़ों में से कलर है, जिस कपड़े को जितना बढ़िया खरीद करके लाते हैं 10-5 दिन बाद जो है 2-3 महीने साल भर बाद खराब हो जाता है, फेड हो जाता है। यू कैन डिटरमिन बाई दिस मैथड। अगेन रेडियोएक्टिविटी का जो फार्मूला है या रेडियोएक्टिविटी के जो रिजल्ट हैं कम समय के लिए वैलिड नहीं, बहुत ज़्यादा समय के लिए अगर इसको आवर्स के बजाय हम मेजर करें, डेज में, मंथ में, ईयर्स में, कोई चीज़ लंबे समय के लिए, लॉन्ग इंटरवल के लिए, माइक्रोसेकेंड, मिली सेकेंड, फेप्टो सेकेंड के लिए वैलिड नहीं है, या एक जानना होता है लेकिन एक्यूरेसी इसकी लोअर रीजन में नहीं। कोई बिल्डिंग ये पता लगानी है तो आप मान लीजिए 100 साल की है, आप इसको 95 साल कह देंगे तो बहुत ज़्यादा इधर नहीं हुई, लेकिन अगर मान लीजिए मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में कह दिया तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा उधर की तरफ। रेडियो एक्टिविटी नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं हम लोग हायर एंड के लिए, लोअर एंड के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते। लोअर एंड के लिए कुछ एटम मॉलिक्यूल स्पेस में आना इस्तेमाल करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में थियोरेटिकल कैलकुलेशन सब हैं, लेकिन ये फिनोमेना न्यूक्लियर का, यानी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है तो विल टेक टाइम, यानी 10 मिनट ले सकता है, 5 मिनट आवर के हिसाब से, मिली सेकेंड सेकेंड में ना होकर के कुछ कम समय, ज़्यादा समय लेता है। दैट इज दिस स्केल इज वैलिड, ये स्केल लंबे फिनोमेना आलिए भी कुछ लोग कहते हैं, ये जो धरती के अंदर तमाम चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, यानी बहुत से न्यूक्लियर सिंथेसिस होते हैं, मिनरल्स बनते हैं, ओट्स बनते हैं, तो इनको बनाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। यानी ये नहीं है कि आज आप दबाव बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, कुछ बढ़ा दें और कह दें कि ये रिएक्शन अभी अभी हो जाए, हीरा बनता है, आप देखते हैं खोद डालिए, खोद के निकाल लीजिए, फिर उसको मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से कूट काट के भर दीजिए, और आप सोचिए कि 10 दिन में बन जाए तो नहीं बनेगा, विल टेक सर्टेन टाइम या लंगर टाइम जिसको कह सकते हैं। स्केल वाइज ये बहुत, जैसे एक आदमी को आदमी बनने में बहुत समय लग जाता है, पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर आदमी बनता है। आप देखते हैं उन कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, तुरंत ही कह सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड को फादर बनने में बहुत लंबा समय लगता है। देखते हैं यानी शादी करेगा तभी फादर बन सकता है, तो इस तरह की तमाम चीज़ें, ये एक लेंथ स्केल है। अगर किसी जानवर का उत्पाद जंगल में पड़ा है, तो इस तरह के जो है प्रोसेस होते हैं, तो
तूफान चक्रवात आते हैं, इस तरह की तमाम घटनाएं होती है। इसको रेडियम की भी आप कार्बन डेटिंग के माध्यम से निकाल सकते हैं, 1970 कार्बन डेटिंग ने पहले नहीं किया था। तो अगर आपके पास दो सैंपल हो, एक डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, TiO हो गया, एक बच गया, इन तमाम दवाओं में से दो दो दवाएं मिला करके आइसोटोप इस तरह का जैसे एक डिसइंटीग्रेट हो गया, दूसरा इंटीग्रेट करते हैं तो वो ट्रेसिंग के पर्पज के लिए होगा। ट्रेस का मतलब से पता लगा सकते हैं। तो दिस वाज आवर होती एनी वेलकम्स, यहां पर कुछ मिलेंगे आपको आगे करेंगे, देखते हैं कितना समय और काम मिलता है उसी हिसाब से। लेकिन नई काम में आए हुए एक्टिविटी की वो इसमें पार्ट ले में रख करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये व्हाट इज कॉल्ड दी, इसमें एक प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियर रेडिएशन दिया अल्फा बीटा गामा, इनको कैसे डिटेक्ट करते हैं या कैसे पता लगाएंगे कि ना अल्फा है कुछ दिखाई नहीं पड़ते। अब दिखाई नहीं पड़ते तो खैर अल्फा की नहीं है ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, तो आँख से नहीं इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आई आई जी डिटेक्टर पता नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ कितने अल्फा पार्टिकल हैं, कितने बीटा पार्टिकल हैं, कितने गामा पार्टिकल हैं। यानी मान लीजिए आप किसी से कोई बात कह रहे हैं तो साउंड एनर्जी को आप जानते हैं कि निकाल रहे हैं कोई शब्द है, इसको क्या खराब करेगा, ये अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा, यानी आप इस तरह की तमाम चीज़ें जानते हैं इससे कौन सी बात किस तरीके से करनी। हो सकता है आप लोग बात कह रहे हैं दूसरे के कान में ही ना घुसे, तो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिव पावर बात की गई थी। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो कान में जबरदस्ती घुस जाती है किसी की, आप नहीं भी हैं तब भी किसी के बारे में कुछ बात कहते हैं वो बात उसके कान तक पहुँच जाती है, ऐसे पहुँच जाती है। देखते हैं तमाम तरह की अच्छी बातें कुछ होती है, कान भरते हैं भर देते हैं तो पहुँच जाती है इस तरह की बातें, यानी इसकी पेनिट्रेटिव पावर उस तरह की बातों की ज़्यादा होती है। नॉन कन्वेंशनल बातों को पेनिट्रेटिव पावर जो है किसी को समझाना हो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो इलेक्ट्रॉन नहीं घुसता जाते दिमाग में पढ़ने में से, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात बतानी हो मसालेदार जिसको कहते हैं तो वो कोई घटनाक्रम होता है बहुत जल्दी पिकअप करता है। क्या हुआ उसकी पेनिट्रेटिव पावर बहुत ज़्यादा थी, एक ही पेनिट्रेटिव पावर इतनी कम थी कि आपके कान तक नहीं पहुँचती है, पढ़ने लिखने की बातें ज़्यादातर कान के अंदर नहीं पहुँचती। और अगर कुछ ऐसी बात हो कि इसने छक्का मार दिया तो सब लोगों को मालूम है कब किसने मारा या इस तरह की बातें बहुत जल्दी से। तो पॉइंट इज कि हम कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन है कि नहीं है, अगर रेडिएशन तो दिखाई पड़ रहा है आपसे लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में हो सकता है इस चाक के अंदर कार्बन या कोई ऐसी चीज़ है जो रेडियो एक्टिव हो, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे। तो कई प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी, एक तो पेनिट्रेटिव पावर थी, दूसरी आयनाइजेशन पावर थी, कई तरह के डिटेक्टर्स हो गए, यानी किसी में से एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और किसी में पेनिट्रेटिव पावर बहुत ही थी, उनको इस्तेमाल करेंगे और डिटेक्ट करने की जो टेक्निक होंगी पता लगाने की जो टेक्निक्स होंगी उनको कहेंगे डिटेक्टर या न्यूक्लियर डिटेक्टर। क्या न्यूक्लियर डिटेक्टर तीन है आपके कोर्स में, एक है GM काउंटर, दूसरा है एक्सेलरेशन काउंटर और एक बबल चैम्बर है, तीनों को अभी छोड़ रहे हैं आगे चलकर के दूसरी तरफ आ रहे हैं जहाँ हमें जरूरत है एक नया की इसको आगे पीछे रखें, क्योंकि अगर हम इस तरह की तमाम चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं यूज करना चाहते हैं पता लगाना चाहते हैं कि बैटरी कितने साल तक चलेगी या ये पुल कितने दिन तक सुरक्षित है, तो किसी तरीके से जो रेडियो एक्टिविटी थी या रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना थी वो अपने कंट्रोल में होना चाहिए। हमने कहा था ये एक स्टैटिस्टिकल फेनोमेना है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, प्रेशर पर या एक्सटर्नल कंडीशन पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसको रोकना थोड़ा सा कठिन होता है। कोई सैंपल है उससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है वो निकलता रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते, आप खुद को रोक सकते हैं लेकिन यानी खुद हट जाइए। मान लीजिए कोई बंदूक की गोली कहीं से निकल के आ रही है तो गोली नहीं आपको देख करके हटेगी, इधर आप ही को हटना होगा नहीं तो कार से पेनिट्रेट करके निकल जाएगी। यानी गोली को इतनी समझ नहीं होती है, मान लो चली आ रही हो ओला ऊपर से गिरते हैं, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है ओले से, आप छतरी लगाइए कुछ लगाइए पेड़ के नीचे हो जाइए छत के नीचे हो जाइए अदरवाइज वो ऊपर गिरेगा। तो पॉइंट इज कि अगर बहुत से न्यूक्लियर रेडिएशन कहीं से आ रहे हैं और हमको पता लगाना है कि कहाँ से कुछ हमारे पास डिवाइसेस होना चाहिए, तो वो डिवाइसेस हमने अभी छोड़ दिए थोड़े समय के लिए, कैसे करेंगे। मान लीजिए किसी तरह करते हैं जैसे आँख एक डिटेक्टर है उसी तरह को न्यूक्लियर डिटेक्टर्स हैं उनकी बात की जाएगी। दूसरा कहा कि अगर इसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कहीं पर, यानी इसको हम कहीं से इस्तेमाल करेंगे यूज करेंगे किसी बिल्डिंग के लिए कौन कौन से यूज होते हैं कुछ आगे बात की जाएगी। कार्बन डेटिंग जैसे एज डिटरमिन करते हैं कि किसी राष्ट्र का किसी मिनरल्स का किसी मॉन्यूमेंट्स का किसी जगह पर बहुत सी गुफा गुफा आजकल बनती है, देखते हैं आप
मंदिर मस्जिद ये तमाम जो एंशियंट जो है बिल्डिंग्स हैं या एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, तमाम झगड़े हो सकते हैं या तमाम इतनी बिल्डिंग्स हैं कि बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं कोई घटनाक्रम रोकने के लिए, इन सब की समय समय पर चेकिंग की जाती है। इसमें पुल हैं, आप देखते हैं नदियाँ हैं, इनको भी चेक करते हैं क्योंकि कभी कभी ये बाढ़ के समय रास्ता बदल देती हैं, तो इनके भी कुछ डिसइंटीग्रेशन या इनके भी पाथ हैं। या आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान की बात करें, तमाम तरह की दंतियाँ हैं, जैसे विजयवाड़ा जगह नाम है, इंडिया का एंशियंट टाउन है या फर्स्ट टाउन है जो किसी के लिए बनाया गया था, किसी के पिताजी ने अपने बच्चे के लिए बनाया था, किसने बनाया था विजयवाड़ा, लाइट फेस्टिवल कहलाता है इंडिया में, वहाँ हर घर में रात में दिवाली की तरह बत्ती जलती रहती, बाहर जो झालर लगाएं ट्रेन वेन से जाएंगे तो वो शहर पूरा दिखता है, बहुत दूर नहीं है नज़दीक में है, आप जाएंगे साउथ इंडिया में तो उसकी बात होती है। टाउन प्लानिंग के मामले में किसने बनाया था, हाँ सवाल था किसने किसके लिए बनवाया था, वो टाउन किसके रहने के लिए बनाया गया था, तो बागान में चार लोगों का नाम है राम लक्ष्मण भरत लक्ष्मण, सबकी कहानी आपने पढ़ी, राम जी के बारे में बहुत ही पढ़ते हैं लोग, गुस्सा हो जाते हैं लक्ष्मण संवाद दिया जाता है यहाँ जो है भरत जी के योगदान की चर्चा हर रामलीला में होती है, शत्रुघ्न जी क्या करते थे ये किसी को नहीं मालूम, ही वॉज द वन पर्सन जिसके लिए वो टाउन बनाया गया था, उनके पिताजी ने उसके पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय बनाया और फिर रहने के लिए उस टाउन की ही, अगर कोई बात नहीं गंदा शहर है तो हम बना देते हैं, तो वो विजयवाड़ा शत्रुघ्न जी का शहर है। अच्छा खास बात इसकी है तो वहाँ जाएंगे तो आपको तमाम शत्रुघ्न जी के बारे में, कैसे स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, इज द ओनली पर्सन जिसने स्कूल में कुछ काम किया है, ये सब लोग बाकी लोग तो दूर दूर में पढ़े थे दोनों तीनों लोग, लेकिन विजयवाड़ा की कुछ विशेषता है, मतलब विजयवाड़ा पर नहीं चलेंगे तो हमारा छूट जाएगा, तो हमें ज़रूरत है कि अगर उस आर्किटेक्ट को उस बिल्डिंग्स को या रोम की बात करें, रोम में हर बिल्डिंग आप देखते रह जाएंगे किसी तरह के पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग हैं, कि रियली वहाँ पर दिखता है किसी आदमी ने क्या किया है, वहाँ ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ने वाले साइंस पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादातर बिल्डिंगों में ही रिसर्च करते हैं, यानी बिल्डिंग का मैं जैसे लोगों का वगैरह का बाहर है, यहाँ जब किसी खाना होता है तो वहीं खाता है जाके, किसी को घूमना होता है तो वहीं घूमता है, तो रोम में पूरा शहर ही बहुत हाइट बहुत ऊँचा बना हुआ है और इतना ऊँचा है कि जैसे हम लोग आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं सारा पत्थर मोस्टली पत्थर का बना हुआ है, आजकल नई बिल्डिंग्स तो अलग तरीके से बन रही, या तमाम समुद्री किनारे जो सीसोर्स हैं स्पेशली वेनिस की बात करें इधर यहाँ पर केवल कैनाल्स हैं और वहाँ पर कोई भी रेलवे रेलवे ट्रैफिक नहीं है, यानी रोड की जगह वहाँ पर सब छोटी छोटी नदियाँ छोटे छोटे जहाज और छोटी छोटी बोट्स चलती हैं, आपको कहीं जाना है तो उसी बोट के ही माध्यम से जाना पड़ेगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर जहाँ गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, धूल है नहीं तो वहाँ जमीन है ही नहीं, तो आपको कहीं जाना है एक नाव खरीदिए, आती रहती है नाव, जैसे अपने बसें आती हैं ना वैसे थोड़ी थोड़ी देर में आती रहती हैं, और हाईलाइट है वहाँ पर ग्लास का बहुत अच्छा सा काम होता है, बहुत अच्छा था इन देंस कि डस्ट नहीं है, तो आप हाथ से कुछ भी बनता हुआ आप ग्लास ऐसे ही रोड में देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जाता है। तो वेनिस दुनिया का सबसे चीपेस्ट शहर है, चीपेस्ट का मतलब फ्री नहीं है, यूरोप में सबसे सस्ता है, यानी सब कुछ डॉलर में मिलता है लेकिन यूरोप के कंपेरिजन में सबसे चीपेस्ट है, जैसे कहीं जाएंगे इलाहाबाद सब्जी वब्जी के मामले में सबसे महंगा शहर है, यहाँ बच्चों को मालूम है कि इसमें विटामिन ए ज़्यादा है इसमें कैरोटीनॉइड ज़्यादा है तो यहाँ बता बता के बेच लेते हैं कई गुना ज़्यादा बेच लेते हैं, यानी अगर सेब खरीदे यहाँ 100 रुपये किलो मिलेगा दूसरी जगह हो सकता है यहाँ से हट के चले जाएँ थोड़ी दूर सोराव में तो 60 ही रुपये किलो मिल जाएगा, यहाँ फूल 100 रुपये किलो मिलता है और जगह 20 रुपये में कोई नहीं खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल की फूल गोभी टमाटर कोई बाहर ले ही नहीं रहा दो बदल, लेकिन यहाँ आपको 40 रुपये 50 रुपये के जी बताएंगे उसको भी थोड़ा पास करके रख देते हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ सब पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं जिनको समझाना बहुत सरल है, किसान से बहुत मेहनत लगती है, किसान वहाँ से घूमता है खाद डालता है ये करता है, लेकिन वो किसान का एक पैसे भी नहीं खरीदते, अपना कहते ले जाओ हमारे पास कोई जगह नहीं है हम मंडी में फेंक देते हैं, तो पॉइंट है कि अगर इन सब की हम किसी फल की या किसी तरह के तमाम पेड़ों की लाइफ डिटर्मिन करना चाहते हैं गार्डनिंग होती है, आम आम के पेड़ है बहुत लंबे समय तक चलते हैं, मान लीजिए एक नॉर्मल एज किसी भी प्लांट की पर्टिकुलरली मैंगोज की 25 ईयर्स है, 25 साल तक वो पेड़ फल देता रहता है, उसके बाद
कभी कभी फट जाता है या इस तरह की सिचुएशन आती हैं, या नीम है बहुत सी पूजा पूजा घरों के रूप में इस्तेमाल होती है, या इसमें बहुत से एल्कलॉइड होते हैं, अगर ये अंदर का इसका मटेरियल मेल्ट कर जाता है यानी बायोकेमिकल फिजाब हो जाते हैं तो पॉइजनस हो जाते हैं। अगर इसमें छेद भेद हो गया तो उससे जो फ्लूड निकलता है किसी बॉडी के अंदर चला जाए तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसी बहुत सी नीम होती हैं या तमाम ऐसे पेड़ हैं पर्टिकुलरली नीम के बारे में, कि अगर बहुत ओल्डेस्ट नीम है और वो किन्हीं कारणों से गिर गई किसी के ऊपर या तो जानहानि बहुत होती है या तमाम उससे मटेरियल भी एवापोरेट होते रहते हैं। समय समय पर हमने बात की है कि करीब 85 एल्कलॉइड नीम में होते हैं और वो अपने आप बहुत सी जो पुरानी होती है सेल्फ वेपराइज होते हैं, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पुराने में से ऐसा होता है कि ऊँचे रहते हैं। शीतला माता जिसका नाम है वो तमाम बच्चों बच्चों को या स्किन के डिसीज ऐसे ही ठीक करती है, क्योंकि वहाँ एक नीम का पेड़ बहुत पुराना सा होता है और उससे ये वेपर अपने आप निकलती है, जो लोग उससे उतरे बैठते हैं उनके स्किन डिसीजेस नहीं होती है, ये विशेषता है। लेकिन अगर नीम का पेड़ काट लिए साईं बाबा का नाम सुना हो, टीवी देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा, सब कमाली ये है या तमाम तरह की चीज़ें साईं बाबा पर बनते रहते हैं, आजकल आते रहते हैं सही नहीं है, साईं बाबा के बाद भी नीम का पेड़ था, उसी नीम के चबूतरे में ही सब काम करते थे। क्या शुरू के दिनों में वो लोगों की दवाई में यानी तमाम जो बीमारियाँ थी उसको ठीक करते थे, स्पेशली पेट वेट से संबंधित और स्किन से संबंधित। साईं बाबा का उस पेड़ के बारे में बहुत नहीं पता, आप तो और भी कुछ पता होगा, लेकिन नीम की विशेषता या ज़्यादातर तमाम जो है आप देखते हैं देवस्थान में नीम और पीपल बहुत होते हैं। तो पॉइंट इसके अंदर जो मेटीरियल था यानी तना अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से गल गया हो लंबे समय की वजह से और हम चेक नहीं कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, नीम गिर जाती है और बहुत से लोग दबके मर जाते हैं, उसका जो फ्लूड होता है वो पॉइजनस टाइप का एसिड टाइप का होता है, इसलिए बहुत लोगों को नुकसान करता है। आजकल हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम जान जाते हैं, एक थी जिसमें आप देख रहे थे गामा पार्टिकल का अंदर पेंटेट कर सकता है प्लांट के या किसी भी बिल्डिंग के अंदर और पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर क्या है। तमाम टेक्निक्स होती हैं आजकल देखते हैं वार में इस्तेमाल करते हैं, किसी मकान के अंदर बहुत से लोग छिपे हैं, पता लगाना है आपको, मकान को गिराना भी नहीं है और पता भी लगाना है कि कहाँ और क्या कर रहे हैं, ये देखिए टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है वार में, कहाँ कैंप चल रहे हैं बहुत जल्दी लोग पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगा लेते हैं, कुछ यही टेक्निक्स हैं, इसको ऊपर से भेजा पता लगा करके लौट करके बता देते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर है। तो इन अदर वर्ड किसको इस टेक्निक को हम ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हड्डी वड्डियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, पोजीट्रॉन इमिशन टेमोग्राफी एट कहलाती है, इसलिए एमआरआई से आगे की टेक्निक है। एमआरआई आपने जान सुना होगा, अल्ट्रासाउंड को कम से कम सुना है, वो एक बहुत पुरानी टेक्निक हो गई, उसके आगे सिटी स्कैन आ गई, यहाँ एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, सिटी स्कैन से भी और आगे आजकल जो चल रही है और एक्सपेंसिव है वो है एमआरआई। आप देखते हैं जब नहीं पता लगता रेजुलेशन की वजह से तो कोई 8,000 से 10,000 रुपये पर पेशेंट चार्जेस है इसके, इस तरीके से अब ये भी पुरानी हो गई। अच्छा ये न्यूक्लियर फिजिक्स बेस्ड इसमें से कुछ इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है पोजीट्रॉन इमिशन टेमोग्राफी, ऐसा सैंपल लेने से पोजीट्रॉन निकलता है, उस पर पोजीट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत होगी, नॉन टॉक्सिक है और इसकी नॉर्मल कास्ट 20,000 रुपये से शुरू होगी, यानी जो ऐसा कैंसर जिसको हो जाता है पेट कराना पड़ता है और पेट इलाहाबाद में नहीं होता। अच्छा एमआरआई होती है, पेट की मशीन यहाँ नहीं है, संजय गांधी वगैरह में है, केवल संजय गांधी में मेरी जानकारी के मुताबिक और कहीं नहीं है। तो यह एक 4-25,000 रुपये का, यानी सपोज़ कर लीजिए कि आपके दिमाग में कुछ खराबी आ गई तो टेस्ट कराने के लिए आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। आज के समय में ये काफ़ी है, थोड़ा महंगी होती है लेकिन इस्तेमाल किया जाए क्योंकि नॉन टॉक्सिक है। तो एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे अगर हमको इस तरह की आपकी फिजिकल रेडियोएक्टिविटी की बात करने जा रहे हैं या अगर कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल नेचर में नहीं मिलता और बनाना चाहते हैं क्योंकि इसकी यहाँ पे होगी, आप खरीद के लाइए पता चला कम हो गया, अभी देखेंगे कुछ को 3 ही मिनट लगेंगे, वो 3 मिनट कहाँ होगा कब होगा, फास्फोरस की बात करेंगे तो कुल 3 मिनट चलता है, 3 मिनट के बाद हाफ हो जाता है, यानी फास्फोरस ज़्यादातर आपको शमशान में दिखाई पड़ता है हड्डी वड्डियों में, 3 मिनट भूत दिखाई पड़ता है, 3 मिनट के बाद आधा हो जाएगा गायब हो जाएगा, यानी जो भूत दिखा लोग कहते हैं देखे देखे भूत दिख रहा है, कहते कहाँ चला गया हमको दिखाई नहीं पड़ा, तो तब तक उसकी हाफ लाइफ हो चुकी होती है, यानी अगर वो शमशान में हुआ तो नहीं हुआ तभी पता लगाया जाएगा क्या है। तो एक कंट्रोल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस चाहिए क्योंकि हाफ लाइफ या उनकी जो मिशन रेट है वो कंट्रोल हो और साथ ही वो दैट इज फॉर दी जो टेक्निक होगी साइक्लोट्रॉन साथ।
आज 1200 फल है।